इन दोनों भाइयों का आज कंपैरिजन करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों फोन में कौन सा अभी करेंटली अच्छा चल रहा है। आज के टाइम पे एक लॉन्च हुआ था आपको 2023 के स्टार्टिंग में, एक लॉन्च हुआ है आपको 2023 के मीड में, इन दोनों के कंपैरिजन में कौन सा अच्छा है। क्योंकि प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखो दोनों, तो ये अगर लेटेस्ट लॉन्च है और ये भी आपको 1 लाख के अप्रॉक्स मिलता है, और ये 1,05,000 या 10,000 या मे भी थोड़ा 1 लाख तक में ये भी आ जाएगा अगर कार्ड ऑफर वगैरह आप लगाओ तो। तो अप्रॉक्स दोनों का प्राइस पॉइंट सेम है, पर दोनों में अच्छा कौन है उसका आज हम पता लगाएंगे। मैं दोनों को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेसिवली यूज़ किया हूँ और मेरा फेवरेट अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप पहले कहोगे कि ये अभी से तरफदारी कर रहा है, पर दोनों का रिव्यू दूंगा और आप खुद डिसाइड करोगे आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये वीडियो पॉसिबल हुआ है श्री इन्फोटेक के स्पॉन्सरिंग से। ये एक ऐसा मल्टी ब्रांड स्टोर है जहाँ पे आपके सारे मोबाइल वाले सॉल्यूशन ज़रूर से सॉल्व हो जाते हैं। इनके पास एप्पल के सबसे टॉप वाले फ़ोन से लेकर के वीवो ओप्पो के सारे जो बजट स्मार्टफोन है वो तक भी मिल जाते हैं। ऐसे स्मार्टफोन भी मिल जाते हैं जो ऑनलाइन आपको नहीं अवेलेबल है वो इनके पास मिल जाते हैं। इनके पास एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी शॉप्स की श्रृंखला है, इनके खुद की वेबसाइट भी है। आप इनको कॉल करके या आप इनके वेबसाइट के माध्यम से भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, आप यहाँ पे जरूर कॉन्टेक्ट करिए। तो ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा S23 वाला अल्ट्रा, और ये है हमारा डुअल टोन वाला बहुत ही सेक्सी फोन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 5, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ था और ये भी बहुत ज़्यादा तगड़ा मार्केट में अभी बहुत टक्कर दे रहा है। और इन दोनों के कंपैरिजन बताने वाले हैं। दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस अगर मैं बताऊँ तो ये थोड़ा बल्की हैवी और बड़ा फ़ोन है। इसमें आपको एक स्टाइलस पेन मिलता है और ये बहुत ही सेक्सी फ़ोन है, पतला सा फ़ोन है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक फोल्डेबल फ़ोन है, मतलब इसको आप फोल्ड वगैरह कर सकते हो आराम से और फोल्ड करके पॉकेट में डाल सकते हो। ये छोटा हो जाता है, पर आप इस फ़ोन को आप पॉकेट में डाल सकते हो बट ये ऊपर गिर सकता है, मतलब दिख भी रहा होगा कि आपके पास फ़ोन है, एक्चुअली ऊपर से भी दिख रहा होगा। अगर दोनों के डिस्प्ले से अगर शुरुआत करें तो दोनों के डिस्प्ले में कोई भी अंतर नहीं है, बस एक मेजर अंतर के अलावा यही है कि ये आपको फोल्डेबल डिस्प्ले मिलता है। आपको Z Flip 5 में एक बढ़िया सा फोल्डेबल डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको Samsung Galaxy S23 Ultra में नॉर्मल जो आपको स्लाइड कर्व डिस्प्ले है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है ये भी, दोनों ही सेम पैटर्न वाले डिस्प्ले हैं। Samsung का डायनेमिक सुपर एमोलेड 2X वाला डिस्प्ले है, दोनों में HDR10+ का सपोर्ट है और दोनों ही बहुत ही अच्छे डिस्प्ले हैं। बस रेशियो में दोनों के अंतर है, और बाकी ये फोल्डेबल डिस्प्ले होने वाला है, ये नॉर्मल डिस्प्ले होने वाला है। दोनों ही फ़ोन मेटलिक हैं, इसमें भी आपको एल्युमिनियम फ्रेमिंग वगैरह मिल जाती है, इसमें भी एल्युमिनियम फ्रेमिंग मिलती है, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज़्यादा स्टडी फील होता है Samsung Galaxy S23 Ultra। डेफिनेटली ये थोड़ा भारी भी है, थोड़ा सा मोटा भी है आपके Z Flip 5 से, स्टडी ज़्यादा फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा मेटल यूज़ हुआ है और काफ़ी क्लोज पैक्ड है ये, तो ज़्यादा ये मजबूत भी है ये इसके Samsung Galaxy Z5 के मुकाबले। और डिज़ाइन के मामले में बात करें तो मुझे Samsung इन दोनों फ़ोन में डिज़ाइन की अच्छी खासी टक्कर नहीं है। एक्चुअली डिज़ाइन में डेफिनेटली हमारा Samsung Galaxy Z5 ही जीतता है। इसका जो एक डिज़ाइन पैटर्न दिया हुआ है डुअल टोन वाला, ये सबको सबसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में भी बहुत ज़्यादा ख़राब डिज़ाइन नहीं मिलता है, आपको सिंपल डिज़ाइन मिलता है। बड़े बड़े आपको कैमराज मिलते हैं, जिसको किसी किसी की ये पसंद होती है बड़े बड़े कैमराज के साथ इस तरह का डिज़ाइन, मतलब बाकी ये कैंडी बार डिज़ाइन दिया हुआ है, सिंपल पुराना वाला डिज़ाइन है। बट इसमें जो Samsung Galaxy Z Flip 5 है, इसमें नया डिज़ाइन मिलता है और सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ग्लास वाले डिज़ाइन है पीछे, आपको दो स्क्रीन मिलते हैं इसमें। जिस तरीके से डिज़ाइन कंपैरिजन में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली Galaxy Z Flip 5 ही सबसे ऊपर आता है, वैसे ही कैमरा के कंपैरिजन में भी डेफिनेटली ये Samsung Galaxy S23 Ultra काफ़ी आ गया है। इसमें आपको 4 कैमरा मिलते हैं, आपको दो एक वाइड कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, एक टेलीस्कोप फोटो लेंस मिलता है, मतलब कि 10x वाला फोटो लेंस मिलता है इसमें आपको, एक 3x का टेलीफोटो लेंस मिलता है। बट आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ Samsung Galaxy Z Flip 5 में सिर्फ और सिर्फ दो कैमरा मिलता है, वो भी एक 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। मतलब कैमरा के मामले में कहीं इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, डेफिनेटली Samsung Galaxy S23 Ultra का ही सबसे अच्छा कैमरा निकल के आता है। आउटपुट वगैरह आपने देखा, आउटपुट से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है। दोनों ही फ़ोन में आपको साइड माउंटेड आपको वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं और नीचे बटन मिलता है पावर बटन। बस डिफरेंस ये है कि आपको Samsung Galaxy Z Flip 5 में आपको बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जबकि आपको Galaxy S23 Ultra में आपको इन डिस्प्ले सेंसर वाला आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि सुपरसोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इतने बड़े सुपर फ्लैगशिप फोन्स हैं तो डेफिनेटली इसमें सिम वगैरह तो लगेगा ही। सिम के मामले में यहाँ पे मुझे एक कॉन्ट्रावर्सी यहाँ पे ये मिला कि आपको Samsung Galaxy Z Flip 5 में एक सिम, एक नैनो सिम
और एक ई सिम लगेगा, तब जाकर के डुअल सिम होता है। जैसा कि ये पैटर्न आपको आपको आईफोन के फोन स्मार्टफोन्स में मिल जाएगा, कोई भी वहाँ पे भी एक सिम लगता है और एक ई सिम लगता है। बट आपको सैमसंग का ये जो S23 अल्ट्रा है ना, इसमें आप दो नैनो सिम लगा सकते हो या फिर एक नैनो सिम और एक ई सिम भी लगा सकते हो। मतलब कि डेफिनेटली अगर नॉर्मल यूज़र जो अभी मार्केट में यूज़ कर रहे हैं ना, उनको हमारे पास इंडियन यूज़र के पास स्पेशली ई सिम का बहुत ज़्यादा भी प्रचलन नहीं है। यहाँ पे लोग फिजिकल सिम जो कार्ड होता है ना वही यूज़ करते हैं, तो इसमें दो सिम कार्ड आराम से लग जाता है डेफिनेटली, पर इसमें वो वाली सुविधा नहीं मिलती है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो एक्सपेंडेबल दोनों ही में आपको स्टोरेज को एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब दोनों में आप मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगा सकते हो। पोर्ट्स की बात करें तो दोनों में ही में आपको टाइप सी का पोर्ट मिलता है, जो कि 3.1 USB टाइप सी पोर्ट है। दोनों ही फास्ट चार्जिंग के लिए कैपेबल है। बस सैमसंग S23 अल्ट्रा में आपको 45 वाट तक आपको चार्जिंग कैपेबिलिटी मिल जाता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी G Flip 5 में आपको सिर्फ 25 वाट तक का ही चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा फास्ट चार्जिंग। तो इसमें एक्चुअली में इसकी चार्जिंग थोड़ी स्लो है। फ्लिप 5 का चार्जिंग स्लो होने का एक और वजह है कि इसमें जो बैटरी है ना वो भी दो पार्ट में होकर के आती है, मतलब आधा बैटरी इस साइड है आधा बैटरी इस साइड है, तो दोनों बैटरी को चार्जिंग होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब यूजली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पीकर्स की बात करें तो दोनों में स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, लेकिन मुझे जो S23 अल्ट्रा का स्पीकर है थोड़ा मुझे ज़्यादा लाउड लगता है, मुझे पता नहीं बाकी लोगों का। बाकी इसमें और दोनों ही में आपको 3.5 mm वाला जैक नहीं मिलेगा, सैडली आपको ब्लूटूथ वाले यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका दिमाग ख़राब हो रहा है आजकल शायद मे भी। बाकी दोनों ही फ़ोन में अच्छे अच्छे एनिमेशन मिलते हैं जब ये स्क्रीन ऑन होते हैं। तो सैमसंग का एक मतलब फ्लैगशिप फ़ोन में ये वाला जो एनिमेशन देना काफ़ी सही लगता है। हमारे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में एक ऐसा, जैसे दोनों ही में एक अलग अलग फीचर मिलता है, जैसा कि इसका जो ये पूरा फ़ोन है वो फ्लिप होकर के छोटा हो जाता है, वैसे ही इसमें एक ऐसा फीचर है जो कि इसमें नहीं है। हमारे पास इसमें एक एस पेन मिलता है, काफ़ी प्रीमियम तगड़ा सा एस पेन मिलता है, मतलब ये एस पेन काफ़ी फीचरफुल होता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पेन जैसा नहीं होता। इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह सारा मिलता है, चार्जिंग होती है एक्चुअली इसमें, और जब भी आप इसके स्क्रीन के पास ले जाते हो तो इस फ़ोन को पता चल जाता है कि कोई हमारे पास एस पेन लेकर के आ रहा है और उसको यूज़ करने वाला है, उसका एक एनिमेशन बन करके आता है। मतलब काफ़ी अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें होती हैं इसके एस पेन के साथ, जबकि इसमें आपको सैमसंग जी फ्लिप 5 में ये सब सारी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती हैं। बाकी आपको इन दोनों ही फ़ोन में सेम प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2। बस थोड़ा सा इसमें आपको स्पेशली फॉर गैलेक्सीज वाला जो प्रोसेसर है वो मिलता है, तो दोनों में ही आपको परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है, क्योंकि आपको दोनों में सेम प्रोसेसर मिलता है। परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम डिस्प्ले सेम ग्राफिक्स के साथ इसमें परफॉर्मेंस जो पबजी वगैरह आप जो खेलते हो, पबजी का जो ग्राफिक्स सेटिंग वगैरह दोनों में सेम आता है, दोनों में सेम परफॉर्मेंस मिलती है। बस मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी हीटिंग वगैरह का जो इशू है वो मुझे गैलेक्सी जी फ्लिप 5 में थोड़ा कम लगा S23 अल्ट्रा के मुकाबले। S23 अल्ट्रा में भी बहुत ज़्यादा नहीं हीटिंग होती है, बैक इसका जो एल्युमिनियम वगैरह का बैक है इसकी वजह से थोड़ा सा हीटिंग महसूस ज़्यादा होता है, बट कंपेरेटिवली इसका भी हीटिंग बहुत कम है। ये फ्लैगशिप फ़ोन है, इसमें ऐसा ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीटिंग का इशू नहीं है, पर जैसा कि मैंने आईफोन 15 में बताया था कि आपको हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है, वैसे इसके कुछ दूसरे जो भी लोअर वेरिएंट वाले सैमसंग के फ़ोन हैं उसमें किसी किसी में आपको हीटिंग के इशू बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं। पर ये जो आईफोन 15 वाले जो हीटिंग इशू है वो उस तरह के इशूज़ दोनों ही फ़ोन में नहीं है अभी, ये डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ, पर दोनों ही फ़ोन में सेम है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है इसको लेकर के, हीटिंग इशू को लेकर के। दोनों ही फ़ोन में आपको सेम 5G कैपेबिलिटी मिलती है, दोनों ही फ़ोन में आपको सेम नेटवर्क का जो स्पीड है डाउनलोडिंग अपलोडिंग सारी स्पीड सेम मिलती है, इन चीज़ों में कोई अंतर नहीं है। आपको दोनों में NFC मिलता है, दोनों में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, दोनों में ही UFS 4.0 का आपको स्टोरेज मिलता है, जो कि इस टाइम का सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज होता है। इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। दोनों में ही आपको जो टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं, जो कि Geekbench और Antutu बेंचमार्क्स हैं, दोनों में लगभग सेम आते हैं। एक बहुत बड़ा जो मेजर डिफरेंस है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको S23 अल्ट्रा में आपको लगभग 1.5 गुना ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है गैलेक्सी सैमसंग जी फ्लिप 5 के मुकाबले। मतलब हमारा जो डेली यूज़ है, अगर आप सैमसंग S23 अल्ट्रा पे आप हैवी यूज़र भी हो ना, तब भी आपको 1 डे इजीली आप इस पे गुजार सकते हो, जबकि सैमसंग जी फ्लिप 5 पे आपको हो सकता है दोबारा चार्ज करना पड़े एक दिन में भी। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है और भी सारे डिफरेंस है जो मैंने मिस किया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।